एक्सीलेंट कंपनी के अंडर में काम कर रहे कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर की हड़ताल। नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी नजदीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक्सीलेंट कंपनी के अंदर में कई सारे वर्कर पिछले कई महीनों से काम कर रहे थे, लेकिन आज वह अपने पगार के प्रश्न को लेकर यहां पर हड़ताल पर बैठे हैं। आप यहां पर वीडियो में देख सकते हो, यहां पर ये जो वर्कर जो लोग हैं वह अपने पगार के प्रश्न को लेकर आज वह हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि यहां पर वर्करों का कहना है कि हम एक्सीलेंट कंपनी के अंदर में पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं, लेकिन हमको यहां पर समय सर पगार नहीं मिल रहा है। और यहां पर जब भी हम हमारे पगार के लिए या अन्य कुछ हक और अधिकार के लिए हम कुछ रजूआत करते हैं तो कुछ अधिकारियों द्वारा हमको यहां पर नौकरी पर से निकाल देने की भी धमकियां मिल रही है। आज यह सभी वर्कर जो है वह अपनी मांग को लेकर केवड़िया कॉलोनी की कचहरी में मिलने के लिए आए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास वैसे तो कई सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और यहाँ पर कई सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो वास्तविकता जो है आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो वास्तविकता जो है यहाँ पर ये जो स्थानिक युवक युवतियाँ जो है वह यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पर एजेंसियों द्वारा उनका शोषण हो रहा हो और यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ परेशानियाँ हो रही हो, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए ये जो वर्कर जो लोग हैं वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलग अलग परिसर जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर, लेसर शो, भारत भवन का जो पार्किंग है, गोरा का जो पार्किंग है, वहाँ पर यह लोग जो है वो साफ सफाई का काम कर रहे हैं। हालांकि कुछ वर्कर ऐसे भी हैं जो लोग यहाँ पर तार फेंसिंग की जो कामगिरी हो रही है वहाँ पर भी वो लोग अपनी फर्ज बजा रहे हैं, लेकिन आज देखा जाए तो इन लोगों को कोई ना कोई मुद्दे को लेकर कोई ना कोई परेशानियाँ रहती है और खानगी एजेंसियाँ द्वारा इन गरीब युवक युवतियों का यहाँ पर शोषण हो रहा हो, ऐसा देखने को मिला है, जिसके कारण आज यह सभी वर्कर अपनी मांग को लेकर मुख्य कचहरी पर उच्च अधिकारी को अपनी रजूआत करने के लिए आए हैं। एक्सीलेंट मैनेजमेंट में काम करिए छे कंपनी में अने अमने छे ने पगार नी मांगणी करे तो त्रास आपी आपीने काढ़ी मूके छे अने 3 महीना पूरा थई गया, चौथो महीनो चाले छे, हजु सुधी पगार नी कोई वात करता नथी अने पगार नी मांगणी करे तो सीधा काढ़ी मूकवानी धमकी आपे छे अने अमना सारा सारा माणसों ने पण काढ़ी मूक्या छे। જે મેનેજર છે ચિતુભાઈ એના દ્વારા આપે છે, વચ્ચે અમે 2-3 વાર હડતાલ કરી છે પગાર બાબતે, તો એ સારા સારા માણસોને બી કાઢી મૂક્યા છે, છોકરાઓને બધાને વચ્ચે પગાર બાબતે અમે હડતાલ કરી હતી તે બાબતે બધાને કાઢી મૂક્યા છે, મને ખુદ બી કાઢી મૂકી છે। અમે 1 મહિનો પૂરો થઈ ગયો છે ઘરે બેઠી છું અને હજુ 3 મહિના પૂરા થઈ ગયા પગાર આપ્યો નથી અમને અને ચોથો મહિનો ચાલે છે। 5-3 મહિના થયા છે પગાર થતો નથી, અમે પગાર લેવા માટે અમે બેઠા છીએ, અમારી માંગ એ છે કે અમારા 3 મહિનાનો પગાર બાકી છે, આ ચોથો મહિનો થઈ ગયો તે બી અમારો પગાર હજુ લાયકો નથી, અમને એવું કહે છે કે તમારો પગાર આજે થઈ ગયો છે, કોઈની મય અમારો બેન સાહેબું નથી, એટલા માટે અમે અહીંયા બેઠા છીએ। શું નામ છે તમારું? વિનુબેન વિપિન। દશપતિબેન પ્રવીણભાઈ તરવી છું। 3 મહિનાથી અમારો પગાર થયો નથી એટલે અમે હડતાલ ઉપર ઉતર્યા છે। જ્યારે મને પગાર લાગશે ત્યારે અમે કામ કરીશું। મારું નામ બકુલભાઈ લક્ષ્મણભાઈ છે, હું માતાવાડીથી આવું છું। સર 3 મહિનાથી અમારો પગાર થયો નથી, પગાર આ રીતેથી અમે ઊભા રહીએ। અમે એક્સીલેન્ટ કંપનીમાં કામ કરીએ છીએ, એમાં અમારે આજે 7 મહિના પૂરા થઈ ગયા તોય અમને પગાર મળ્યું નથી, એ અમારી દરખાસ્ત છે। પગાર જ્યારે પણ સુકવણી થાય તો જ પછી અમે કામ પર ચડીશું એવી અમારી અપેક્ષા છે। અબ દેખના યહ રહા કે વર્કર અપને પ્રશ્ન કો લેકર યહાં પર અધિકારી સે મિલને કે લિયે આયે હે, યહાં પર ઉસકા પ્રશ્ન હલ હોતા હે યા નહીં। કેમેરામેન શંકર દરવી કે સાથ ગૌતમ વ્યાસ, ગુજરાત નર્મદા।